वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन सीखे थे, ठीक है। आज हम लाइट का जो एक चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सीबीएसई भी कुछ पार्ट्स का डिलीट कर दिया गया है, जैसे ह्यूमन आई और जो डिफेक्ट ऑफ विजन है उस पार्ट को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, जैसे रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। These type of topics are including, ठीक है, in your syllabus, वो अभी भी आपके syllabus में है। तो आज हम उसी को study करते हैं। जैसे सबसे पहला topic हमारे पास है refraction of light through glass prism. थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, जो लाइट का रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन आप लोग सभी पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल में रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब एक लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, या फिर जब वो डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल से दूर या अवे जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ग्लास प्रिज्म क्या है, ठीक है। तो ग्लास प्रिज्म के एक्चुअल में जो शेप है, जो एक फ्रंट व्यू है, ठीक है, वो इस टाइप का होता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास है, एक ट्राइंगुलर शेप है, ठीक है। और लेट्स कंसीडर दिस इज पी क्यू एंड आर। ये अपने पास जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो यहां पे हम देखते हैं। लेट्स कंसीडर ए लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन फेस। ये जो लाइट है ये पी क्यू सरफेस के ऊपर इंसिडेंस हो रही है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन के बारे में आपको पता ही है। देखो ये जो यहां पे जो मीडियम है ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है। हमने क्या लिखा है, ग्लास प्रिज्म, ये ग्लास है और फिर से क्या है, आउटसाइड एयर। तो जब लाइट एयर से डेंसर में जाएगी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज नॉर्मल, ओके, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब रे है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो रेयर से डेंसर में ले जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे पास जो एंगल है इसको मैं नाम दे दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो लाइट है, ये लाइट ये पी आर सरफेस पे इंसिडेंस हो रही है, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर पी आर सरफेस, हमने इसका नाम रख दिया आर डैश। लेट्स कंसीडर इट्स इट इज डिनोटेड बाय आर डैश, ठीक है। अब लाइट ग्लास प्रिज्म से कहां जा रही है, एयर में, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर मूव करेगी, तो ये नॉर्मल से दूर मूव कर ली, ठीक है। ये जो रे है इस रे को बोलते हैं इमरजेंट रे, ये रे है इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, ठीक है। इस रे को बोलेंगे इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। तो इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगुलर शेप या कहें जो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म का जो एक जो हमने जो फेस लिया हुआ है, एक प्रिज्म का फेस है, नॉट एक्चुअल प्रिज्म, ठीक है। तो जो प्रिज्म का फेस है वो ये है हमारे पास। तो पी क्यू सरफेस पे पहली लाइट इंसिडेंट होगी, ठीक है। तो रेयर से डेंसर पे लाइट जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट लाइट विल गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो इन जो हमारे पास जो नॉर्मल है वो इमरजेंट रे के साथ जो एंगल बनाएगी, दैट इज एंगल ऑफ इमरजेंस, एंड दिस इज इमरजेंट रे। तो ये आप देख सकते हो ग्लास प्रिज्म में क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन आप सभी को आता है, बस हमने यहाँ पे ग्लास प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन को स्टडी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग आके ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, उसके अंदर रिफ्रैक्शन तो होता ही है, साथ साथ अगर एक व्हाइट लाइट इसमें एंटर करती है तो वहां पे डिस्पर्जन का फिनोमिना भी होता है, ठीक है। उससे पहले हम यहां पे एक और कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल से लिखते हैं, ये डेल इसकी नोटेशन है, ठीक है। मान लीजिए फिर से हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, ये अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, फिर से क्या करेंगे यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी इंसिडेंस, तो आर डैश नाम दे दिया इसका, ये अवे जाएगी यहां से, एंगल ऑफ इमरजेंस। या इस डायग्राम में देखिए कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, अगर ये सरफेस यहां पे नहीं होती तो ये इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में मूव करती, ठीक है। मतलब अगर यहां पे रिफ्रैक्शन के फिनोमेना नहीं होते तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो ये होने वाली थी, ये वाली, ठीक है। बट आप देख सकते हैं कि एक्चुअली जो लाइट है वो बैंड होने के बाद यहां से निकल रही है। तो अपने पास ये वाला जो एक पोर्शन है, ये वाला जो एंगल है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग कि जो लाइट है इंसिडेंट रे वो स्ट्रेट लाइन में जाती अगर यहां पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में नहीं आती, ठीक है। बट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की वजह से जो लाइट का जो एक्चुअल पाथ है वो यहां की बजाय ये वाला बन गया। तो डेविएशन का मतलब ये होता है कि वो अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो गई। तो आप लोग देख सकते हो यहां पे उसका एक्चुअल पाथ ये था और उसका डेविएशन देखो इतना है, मतलब यहां तक आ गई वो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो आप याद रखना इसका, हमने यहां पे रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म पढ़ा और ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। यहां पे अब लोग हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट ग्लास प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो 7 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, दैट फिनोमिना इज नोन एज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए ग्लास प्रिज्म, ठीक है, दिस इज ए व्हाइट लाइट,
ठीक है। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जा क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिस्पर्जन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ड्रॉ ए डायग्राम फॉर ए रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ठीक है। और कई बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ ए डायग्राम फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एंड मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ठीक है। 3 मार्क में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आपको एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन को रे डायग्राम पे बनाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को मार्क करना है कि वहां पे कहां कहां पे ये सारे एंगल है, ठीक है। तो यू शुड नो अबाउट दीज पॉइंट्स, ओके। व्हाइट लाइट, जब व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म में से पास करती है, ठीक है, तो वो 7 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। 7 पार्ट में, 7 पार्ट में स्प्लिट होगी वो, ठीक है। मान लो यहां पे हम लोगों ने एक स्क्रीन लगाई हुई है, स्क्रीन, और स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमिना हो रहा है, डिफरेंट कलर है वो इस स्क्रीन पे इंसिडेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो जब एक व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म में से पास होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू ए 7 कलर, इनटू 7 कलर्स। दिस फिनोमिना इज नोन एज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्लियर। ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो लाइट की स्पीड है वो ग्लास के अंदर क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। मतलब कि अलग अलग कलर के लिए स्पीड क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। क्योंकि डिफरेंट कलर के लिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट कलर, ठीक है। इसकी वजह से जो सारे के सारे कलर है वो क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट में बेंड हो जाते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन की वजह क्या होता है, देखो रिफ्रैक्शन की वजह होती है द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट आप देख सकते हो, व्हाइट लाइट जब ग्लास में एंटर करती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो डाउन होती है। स्लो डाउन होने की वजह से डिफरेंट कलर जो है, डिफरेंट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इस ग्लास के लिए, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से क्या हो जाएंगे, वो बैंड हो जाएंगे। सबसे ज्यादा वो जो फिनोमिना बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा विबगियोर। सबसे ऊपर कौन सा कलर है, रेड, मतलब रेड है वो सबसे कम बैंड हो रहा है, ठीक है। और जो वॉयलेट है वो सबसे ज्यादा बैंड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास एक बैंड बनता है, एक स्पेक्ट्रम जो बनता है वो क्या, किसका बनता है, विबगियोर का स्पेक्ट्रम बनता है। विबगियोर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। सबसे ज्यादा बैंड होने वाला कलर कौन सा है, वॉयलेट। सबसे कम बैंड होने वाला कलर कौन सा है, रेड, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो रेड है, ठीक है, ये जब मतलब यहां से जब लाइट पास होगी तो ये सबसे कम बैंड होता है। रेड कलर है वो सबसे कम बैंड होने वाला कलर है। वॉयलेट कलर जो है, देखो यहां पे जब इसमें एंटर करेगा सबसे ज्यादा क्या होगा, ये बैंड होगा, ठीक है। क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता जाएगा उसकी स्पीड उतनी कम होती जाएगी। तो रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा है, तो वो उसकी बैंडिंग सबसे कम होगी। और वॉयलेट कलर जो है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, सबसे कम है एज कम्पेयर टू दिस कलर, सो उसकी बैंडिंग सबसे ज्यादा होगी। डिस्पर्जन ऑफ लाइट है उसका एक एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल क्या है, रेनबो। रेनबो, ठीक है, आफ्टर रेनिंग, आफ्टर रेनिंग आपको स्काई में एक पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें इस टाइप का पैटर्न, जिसमें डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है, रेनबो टाइप, ठीक है। मतलब आपको उसमें 7 कलर दिखाई देते हैं, अप्रोक्सीमेट 7 कलर, ठीक है। तो उसकी वजह भी क्या है, उसकी वजह भी क्या है, डिस्पर्जन है। मतलब आफ्टर रेनिंग जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, स्काई में कुछ
पार्टिकल्स, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स है वो रह जाती है, ठीक है, और उनपे जब सन की लाइट इंसिडेंस होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, लाइट को डिस्पर्स कर देती है, ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो लाइट को डिस्पर्स कर देती है, मतलब ये वाला फिनोमेना आपको वहां देखने को मिलेगा, इसकी वजह से आपको रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है लाइट का स्प्लिट हो जाना, ठीक है, जब वो किसी ग्लास प्रिज्म में से एंटर करती है, सेवन कलर में उसका स्प्लिट हो जाना, दैट इज नोन एज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एंड रेनबो इज द एग्जांपल। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है थ्री मार्क्स में, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड गिव वन एग्जांपल, आपको उसका एक एग्जांपल भी देना पड़ेगा, तो एग्जांपल क्या आपके पास रेनबो का एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है वो किस वजह से होती है, ठीक है, उसका रीजन क्या है, होता कैसे है, आपको डायग्राम अच्छे से बनाना चाहिए, डायग्राम की प्रैक्टिस आप करें अच्छे से, एग्जाम में डायग्राम आएगा तो आपको अच्छे से डायग्राम बना के आना है, क्योंकि डायग्राम के आपको डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमेना था, रेनबो जो होता है, रेनबो एक्चुअल में रेनबो में जो फिनोमेना होता है वो क्या होता है, देखो मान लो आपके पास एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट है, जब जो सन की रे है वो इसमें जब एंटर करेगी, ठीक है, तो वो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो सबसे पहले डिस्पर्जन का फिनोमेना होगा, यहाँ पे डिस्पर्जन का फिनोमेना होगा, आपको सेवन कलर में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दो चीजें हो रही है। उसके बाद इस फेस पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो लाइट है जब इससे टकराएगी, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो वो क्या होता है, एक एंगल होता है क्रिटिकल एंगल, उससे ज्यादा के एंगल से इंसिडेंस होती है, तो लाइट जो है वो वापस आ जाती है, उसी मीडियम में लाइट वापस आ जाएगी, ठीक है, लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है, ठीक है। तो एक बार रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ, एक बार रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ, और यहां पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेनबो के केस में क्या होता है, दो बार रिफ्रैक्शन होता है और एक बार क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो रेनबो में क्या होता है, जब लाइट इंसिडेंट होती है तो पहले सेवन कलर में स्प्लिट होगी ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, फिर यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा, तो लाइट वो वापस टकरा के उसी मीडियम में आएगी और आपको जो है एक पैटर्न दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ठीक है, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। यहां पे हमारे पास कुछ और फिनोमिना भी है, जैसे हमारे पास एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना भी है। जैसे एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ये होता है कि जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप सभी को पता है कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती है, और डिफरेंट लेयर्स में जो हमारे पास अलग अलग मीडियम, जैसे रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ऐसे मीडियम्स होते हैं अलग अलग लेयर्स में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन, हमें पता है कि रिफ्रैक्शन की वजह क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह ये है कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है इसी सेम इन्वायरमेंट में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, मतलब कुछ इस टाइप की लेयर्स होती हैं, लेयर्स जहां पे रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, इस टाइप से हमारे पास लेयर्स होती हैं। तो जब लाइट है वो एंटर करती है इन लेयर्स में, तो आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है। The refraction occur in atmosphere is known as the atmospheric refraction, ठीक है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि environment have different layer which have rare or denser medium, ठीक है। जैसे सबसे पहले इसका एक example देखते हैं, twinkling of star,
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मीन्स तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वाई स्टार ट्विंकल, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में डिफरेंट लेयर होती है, ठीक है। जब एक पर्सन अर्थ पे खड़ा होके वो स्काई में किसी स्टार को देखता है, ठीक है, स्टार को देखता है, तो क्या होता है, स्टार से जब लाइट आती है, यू नो वेरी वेल द स्टार आर वेरी फार अवे फ्रॉम और रीच, हमसे बहुत दूर है स्टार, ठीक है, एज कंपेयर टू प्लैनेट्स, प्लैनेट्स हमसे लेस डिस्टेंस पे है एज कंपेयर टू स्टार, स्टार आर वेरी फार, ठीक है। तो जब वहां से लाइट आती है तो लाइट को डिफरेंट जो हमारे पास डेंसिटी के जो लेयर्स हैं उनमें से गुजरना पड़ता है, रेयर डेंसर, रेयर डेंसर मतलब हाई डेंसिटी की लेयर, लो डेंसिटी की लेयर, तो उन लेयर्स में से जब लाइट निकलती है तो आपको पता है कि रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। तो उस रिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से लाइट हमें कई बार दिखती है, कई बार नहीं दिखती, ठीक है, समटाइम्स इट्स विजिबल, समटाइम्स इट इज नॉट विजिबल, बिकॉज स्टार इज लाइक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर अस, ठीक है। तो वहां जब लाइट आएगी तो वो हमें लाइट भी एक सिंगल लाइट ही दिखाई देगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो स्टार है वो हमें ट्विंकल करते हुए फील होते हैं, ठीक है, क्योंकि एटमोस्फियर हैव डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, सो देयर विल अकर ए फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। स्टार जब लाइट आती है तो उसको डिफरेंट लेयर में से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है, उसकी वजह से लाइट कभी आपको दिखाई देती कभी नहीं दिखाई देती, उसकी वजह से लाइट जो है स्टार्स जो आती है वो होती है, कहीं स्टार जो आपको ट्विंकल करते हुए फील होते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, बिकॉज प्लैनेट की साइज बहुत ही बड़ी है, दे आर वेरी बिग इन साइज एंड दे आर वेरी क्लोज टू द अर्थ एज कंपेयर टू स्टार, स्टार के कंपेरिजन जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे बिल्कुल क्या है, पास है, और स्टार जो प्लेनेट है उनके पास बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टार के पास तो एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो तो सिंगल हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह फील होगा, पर प्लेनेट है उसके पास बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, प्लेनेट है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉरी ए लॉट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो स्टार है, स्टार ये सिंगल पॉइंट ऑफ, और मान लो हमारे पास एक प्लेनेट है, ठीक है, तो इसके पास तो बहुत सारे इस टाइप के क्या होंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, स्टार तो सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट हमारे पास भी है, मतलब प्लैनेट मान लो अगर ये हमसे बहुत दूर है, मान लो प्लैनेट हमारे करीब है, तो ये तो सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इसके पास इस टाइप के बहुत सारे सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो अगर यहां से तो सिंगल लाइट आएगी पर यहां से ऐसा आएगा एक से लाइट आ रही है, अगर वो आपको नहीं विजिबल है तो दूसरे पॉइंट से जो लाइट आएगी वो आपको विजिबल होगी, तो प्लैनेट आपको हर टाइम दिखते रहते हैं, दे डू नॉट ट्विंकल, वो ट्विंकल नहीं करते, ठीक है, वो टिमटिमाते नहीं है, क्योंकि प्लैनेट्स आर वेरी प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ एंड दे आर बिग इन साइज एंड दे हैव ए लॉट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर लाइट एक पॉइंट से आपको नहीं भी दिखती तो दूसरे पॉइंट से आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का एक एग्जाम्पल है, सॉरी एक फिनोमिना है, और साथ में प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ठीक है, इसके पीछे भी कंसेप्ट है हमारे पास। सेकंड हमारे पास है स्टार अपीयर फार एज दे आर वेरी फार टू अस, मतलब जो स्टार है वो हमें हमसे बहुत दूर दिखाई देते हैं, जितना वो हमसे दूर है उससे भी ज्यादा दूर हमें दिखाई देते हैं, या कहें स्टार अपीयर फार एज दे एक्चुअली आर, मतलब कि जो स्टार है वो हमसे मतलब जो एक्चुअल उनकी पोजीशन है उससे भी हमें दूर दिखाई देते हैं, क्यों, उसका भी रीजन क्या है, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जब लाइट वहां से आती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से जो लाइट है वो हमें इस टाइप से दिखाई देती है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल डायग्राम से अगर समझे इसको कि मान लो यहां से अगर लाइट आ रही है, ठीक है, जो लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन की वजह से वो लाइट क्या होगी, बैंड होगी, मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगी, लाइट बैंड होगी, मान लो बैंड होके हमारे पास पहुंच रही है, तो हमें जो लाइट है वो कहां दिखाई देगी, लगभग इस पोजिशन पे दिखाई देगी, अगर हम देखेंगे तो हमें तो हमको लाइट के हिसाब से देखेंगे तो हमें जो स्टार की पोजिशन है वो यहां पे दिखाई देगी,
एंड दिस इज वेरी फार अवे एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो स्टार अपीयर वेरी फार एज दे एक्चुअली आर। ठीक है, जितना दूर होते हैं उससे भी ज्यादा दूर हमें वो दिखाई देते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल, एडवांस सनसेट या कहें एडवांस सनराइज, सॉरी, एंड डिलेड सनसेट। मतलब जब सन राइज होता है उससे 2 मिनट पहले ही हमें वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, और जब सन क्या होता है, सेट होता है, ठीक है, उसके 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है, मान लो अर्थ के होरिजन पे हमारे पास ये सन है, ठीक है, सन से जब लाइट आती है तो रिफ्रैक्शन की वजह से वो बैंड होके पहले ही हमारे पास पहुंच जाती है, रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो क्या होता है कि जो सन है वो 2 मिनट पहले, मान लो इसकी पोजीशन ये है, बट हमें कहां दिखाई देगी उसकी पोजीशन, हमें उसकी पोजीशन यहां दिखाई देगी, क्योंकि एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी पोजीशन हमें यहां दिखाई देगी, 2 मिनट पहले हमें देखना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो नीचे पहुंच जाएगा यहां पे, ठीक है, उसके 2 मिनट बाद तक भी हमें वो दिखाई देता है। तो इसमें जो हमारे पास फिनोमिना है वो क्या है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें 2+2 4 मिनट डे है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उसकी जो एप्लीकेशन है उस पर भी क्वेश्चन आते हैं आपसे, डायरेक्ट पूछता है 1 मार्क में व्हाट इज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, 2 मार्क में पूछेगा व्हाट इज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, गिव इट्स 2 एग्जांपल्स। ठीक है, 2 एग्जांपल आपको देने पड़ेंगे या फिर किसी भी एग्जांपल के बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल व्हाई, इसका भी आपसे क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको रेडी रहना है हर टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अलावा रिफ्रैक्शन थ्रू एक ग्लास प्रिज्म देखा। ठीक है, ग्लास प्रिज्म के बाद हम लोगों ने डेविएशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, डेविएशन के अलावा हम लोगों ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में देखा, सॉरी डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में देखा, फिर हमने एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इसके बाद हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको तो डिफरेंट फिनोमिना हम लोगों ने देखे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक फिनोमिना और होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या होता है, फिनोमिना क्या होता है, जब लाइट जो है, लाइट क्या होती है, जब स्कैटर हो जाती है, मतलब डिफरेंट वेरियस पार्ट्स में बिखर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो स्काई है, स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई हमें ब्लू क्यों अपीयर होता है, उसकी वजह स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब व्हाइट लाइट सन से निकलती है, ठीक है, तो जो सबसे कम वेवलेंथ का जो कलर होता है, जैसे हमारे पास मान लो ब्लू है, ठीक है, ब्लू के अलावा वॉयलेट भी है, इंडिगो भी है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू है, ठीक है, तो ब्लू की जो वेवलेंथ वो क्या है एज कंपेयर टू रेड, बहुत ही कम है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, वेरियस जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स टकरा के वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है, बिखर जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू अपीयर होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे वेवलेंथ की बात करें, जैसे हमने देखा था एक पैटर्न विद ब्लू, जैसे हम अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ डिक्रीज, यहां पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है, इंडिगो की उससे कम है, ब्लू की इससे कम है। ठीक है, इंडिगो और जो वॉयलेट होते हैं, ठीक है, इनके अंदर इनके कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमें अपीयर नहीं होते, हमें कौन से होते हैं, ब्लू कलर अपीयर होता है जब हम स्काई की तरफ देखते हैं, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है कि जो लाइट जब किसी पार्टिकल से टकराती है, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ और पार्टिकल की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, तो क्या करता है, उसको डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो कर देता है।
ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो कर देता है, स्कैटर कर देता है, फैला देता है उसको, ठीक है। तो उस फिनोमिना क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके एग्जाम्पल क्या है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, डेंजर सिग्नल्स आर रेड, डेंजर सिग्नल्स आर रेड का मतलब क्या हुआ, जो रेड सिग्नल होते हैं वो उन्हीं को हम डेंजर क्यों लेते हैं, या सॉरी हम ये डेंजर सिग्नल होते हैं उन्हीं को रेड क्यों लेते हैं, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वो दूर तक जाती है, ठीक है। और इनकी क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है, तो वो वहीं पे स्कैटर हो जाती है। रेड कलर है वो स्कैटर नहीं होता, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसकी वेवलेंथ है, रेड की। हम ये कहें कि जो सन है हमें इवनिंग के टाइम कैसा दिखाई देता है, हमें रेडिश दिखाई देता है, सन अपियर रेडिश, ठीक है, जब वो सनसेट होता है तो हमें वो रेडिश अपियर होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी यही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि मोस्टली कलर है वो स्कैटर हो जाते हैं, बट रेड कलर है वो स्कैटर नहीं होता, वो हम तक पहुंचता है, ठीक है, रेड कलर है वो स्कैटर नहीं होता, वो हम तक पहुंचता है, ठीक है। तो रेड कलर हम तक पहुंचता है तो मतलब वहां पे उसकी स्कैटरिंग नहीं होती, और रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल हमने देखा, क्या क्या देखा हमने, कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का जो ब्लू कलर है वो किसका एग्जाम्पल है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, और सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना समझ में आया, कि लाइट जब किसी कंपेरेबल वेवलेंथ के पार्टिकल से टकराती है तो डिफरेंट डायरेक्शन में उसको थ्रो कर दिया जाता है, वो थ्रो हो जाती है, ठीक है, तो जो कलर है वो स्कैटर हो जाता है। तो जो सबसे कम वेवलेंथ कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ कलर है वो सबसे कम स्कैटर होता है, ठीक है। इसीलिए आपको जो सनसेट के टाइम जो सन है वो कैसा दिखाई देता है, रेडिश, क्योंकि उसी कलर की वेवलेंथ आप तक, वो रेड कलर ही आप तक पहुंच पाता है, बाकी कलर तो रास्ते में क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फिनोमिना थे, जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं इनपे, होमवर्क आई और उसके जो डिफेक्ट है वो आपके सिलेबस से अब की बार हटा दिए गए हैं, अब वो नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो आपको अच्छे से इनको देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे थ्योरेटिकली बनेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, गिव वन एग्जांपल, ठीक है, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एग्जांपल के साथ पूछ सकता है, व्हाई स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, 3 मार्क्स में। और आपसे रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म में आपको डायग्राम बनाने के लिए बोल सकता है, और उनके डिफरेंट पॉइंट को मार्क करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स।